जानते हैं, अहंकार आपके जीवन का सबसे बड़ा नाशक है। अध्यात्म विज्ञान के साधकों को अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन करना पड़ता है। सोचना होता है कि जीवन की बहुमूल्य धरोहर ऐसे उपयोग करनी है जिससे शरीर निर्वाह लोक व्यवहार चलता रहे, आत्मिक अपूर्णता को पूरा करने का चरम लक्ष्य भी प्राप्त होता रहे, ईश्वर के दरबार में पहुँच कर सीना तान कर कहा जा सके कि जो अमानत जिस प्रयोजन के लिए सौंपी गई थी उसे उसी हेतु सही रूप में प्रयुक्त किया गया है। इस मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट तीन कारक हैं जो करते हैं। सबसे पहला है लोभ, दूसरा मोह और तीसरा अहंकार। इन्हीं के कारण मनुष्य पतन के गर्त में गिरता है, पशु प्रेत और पिशाच की जिंदगी जीता है। लोग विजय के लिए सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत अपनाना पसंद करते हैं। औसत नागरिक स्तर के निर्वाह में संतोष करना पड़ता है, परिश्रम की कमाई पर निर्भर रहना पड़ता है। जो व्यक्ति विलास में अधिक खर्चता है वह प्रकारांतर से दूसरों को उतना ही अभावग्रस्त रहने के लिए मजबूर करता है। इसलिए शास्त्रकारों ने परिग्रह को पाप बताया है। अधिक कमाया जा सकता है पर उससे निजी खर्च में सीमित व्यय करके शेष बचत को गिरे हुए को उठाने में अगर लगाएं तो आपका खुद ही ऊपर उठना शुरू हो जाता है। राजा जनक जैसे उदाहरणों की कमी नहीं है। मित व्ययी अनेक दुर्व्यसनों और अनाचारों से बचते हैं। ऐसी हविष उसे सताती नहीं है कि अनाचार पर उतारू होना पड़े। साधु ब्राह्मणों की यही परंपरा रही है। सज्जनों की शालीनता भी उसी आधार पर फलती फूलती है। जीवन साधना के उस प्रथम अवरोध लोभ को नियंत्रित कराने वाले दृष्टिकोण हर जीवन साधना के साधक को अपनाना चाहिए। मोह वस्तुओं से भी होता है और व्यक्तियों से भी। छोटे दायरे में आत्मीयता सीमाबद्ध करनी ही मोह है, उससे रहते हृदय की विशालता चरितार्थ नहीं हो सकती। तो अहंकार मोटे अथरे में घमंड को माना जाता है। अशिष्ट व्यवहार, क्रोधग्रस्त रहना इसकी निशानी है। लोभ, मोह और अहंकार जिनके पास है उनके जीवन साधना की लंबी व ऊंचाई मंजिल पर जा सकना लगभग असंभव हो जाता है। तो अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो अहंकार जैसे शब्द को आपको छोड़ना पड़ेगा, कहीं पे गिरवी रखनी पड़ेगी।